इसी ओर अंतिम चरण का चुनाव है, तो इस बार प्रमुख उम्मीदवार सीटें कौन कौन सी हैं? लेकिन आज मतदान के दौरान कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से चुनावी मुकाबले में हैं। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो नाला क्षेत्र अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार भौड़ी चंदन क्यारी के मुकाबले में हैं। वहीं आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो चिल्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। निखिल जी, धन्यवाद केकेलाल जी इन तमाम जानकारी के लिए। इस बीच झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से बिना किसी भय के वोट डालने की अपील की है। खबरों के माध्यम से आप अपने परिवार के साथ में, दोस्त के साथ में समय पर बूथ में जाकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सब व्यवस्था। उधर महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों के लिए आज एक ही चरण में वोट डाले जा रहे हैं। कुल 4136 उम्मीदवार अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी एस चोकालिंगम ने बताया कि राज्य में 1,427 मतदान केंद्रों पर लगभग 5,00,000 चुनाव कर्मी तैनात किए गए हैं। और अब चलते हैं हमारे संवाददाता धनंजय के पास और उनसे हम जानकारी लेते हैं। धनंजय, विदर्भ और नागपुर शहर में मतदान की क्या स्थिति है? धनंजय हमारी आवाज सुन रहे हैं। महाराष्ट्र की सीट और पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल तथा उत्तराखंड की कुल 15 विधानसभा सभी राज्यों के लिए मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और ये सीटें हैं कटहरी, करनल, मेरठ, कुंडारकी, फूलपुर, सीतामऊ, गाजियाबाद, मझवान और खैर। चलते हैं हमारे संवाददाता के पास जो लखनऊ से रिपोर्ट दे रहे हैं।